हेलो स्टूडेंट्स दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि मैं अपने जूनियर सुपर टेट स्टूडेंट्स के लिए जो शेक्सपियर साहब के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं उनके जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर उनके कैरेक्टर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैं मर्चेंट ऑफ बेनेस जो शेक्सपियर साहब का प्ले है उसका मैं आपको कैरेक्टर से परिचय करा चुका हूँ एज यू लाइक इट जो कॉमेडी है उससे आपका परिचय करा चुका हूँ उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनसे भी परिचय करा चुका हूँ एक वीडियो में और दूसरे वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो लाइंस हैं उस प्ले की उससे भी मैंने आपका परिचय कराया है और आज ही वो वीडियो मैंने दिया है आज मैं आपके शेक्सपियर साहब के लिए तीसरा जो वीडियो लेकर आया हूँ तीसरे प्ले का वीडियो लेकर आया हूँ और नाम है प्ले का हेमलेट शेक्सपियर साहब के जो ग्रेटेस्ट ट्रेजडीज़ हैं फोर ट्रेजडीज़ उसमें शेक्सपियर साहब के इस प्ले हेमलेट का नाम शामिल है जिसको शेक्सपियर साहब ने 1600 हंड्रेड टू सिक्सटीन के समय में लिखा है तो आज हम इस वीडियो में इस प्ले में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं आज उनके बारे में बात करेंगे और मैं लगातार जो आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ दे रहा हूँ आप देख रहे हैं कि जितने की आपकी पिछली परीक्षाएं हुई हैं मैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन दे रहा हूँ उनमें हर बार कैरेक्टर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कैरेक्टर्स को लेकर ही पूछे जाते हैं तो इसलिए मेरे ये वीडियोज़ को प्लीज़ आप बहुत ध्यान से देखिए और फॉलो कीजिए लास्ट तक देखिए वीडियो और एक एक कैरेक्टर के बारे में मैं जो बताता हूं वो सुनते चलिए सो नाउ लेट स्टार्ट टूडेज वीडियो हेमलेट राइटिंग टाइम सिक्सटीन हंड्रेड टू सिक्सटीन जीरो वन नाउ द फर्स्ट कैरेक्टर इज किंग क्लेडियस पहला कैरेक्टर हमारा क्या है किंग क्लेडियस अब क्लेडियस को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो क्या साहब डेनमार्क का वर्तमान का राजा है जब मैं वर्तमान की बात करता हूँ तो कृपया करके आप दो में ना आएं आप शेक्सपियर साहब के टाइम की बात करें जब शेक्सपियर साहब ने इस प्ले को लिखा और उनकी इमेजिनेशन में उनके जो लिखने के क्रम में जो जब शेक्सपियर साहब का प्ले हम पढ़ते हैं हेमलेट तो उस समय का राजा है क्लेडियस दूसरा अगर इसको रिलेटिव बताऊं तो ये हेमलेट का अंकल है जो हमारा हेमलेट प्ले है उसका मुख्य पात्र है हमारा हेमलेट नेचुरल सी बात है शेक्सपियर साहब की जितनी ट्रेजडीज हैं मैक्सिमम, उसमें जो हीरो होता है उनका वही उसी के नाम पर उस ट्रेजडी का नाम होता है तो हेमलेट का अंकल है साहब ये ठीक साथ ही साथ इस प्ले का दो तरीके से मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो बताना सही होगा एक तो प्रोटेगानोस्ट भी है ये दूसरा इस प्ले का बिलेन भी है साहब ये अब मैं आपको बिलेन कैसे है वो भी बताता हूं लेकिन बहुत लंबा ना करते हुए मैं सिर्फ इतना बताता हूं बिलेन ये इसलिए है कि ये बहुत महत्वाकांक्षी है एम्बिशियस है इसको जो महत्वाकांक्षा है वो चाहिए इस कारण से ये बहुत सारे गलत कर्म करता है अपने भाई की हत्या करता है अपने भतीजे को मारने का प्रयास करता है जो ये कुछ कर सकता है अपनी गद्दी बचाने के लिए वो सब करता है गद्दी पाने के लिए क्राउन पाने के लिए और गद्दी पर रहने के लिए जो ये कर सकता है वो करता है तो ऐसा है हमारा किंग क्लेडियस कैरेक्टर नाउ द सेकेंड कैरेक्टर इज गर्ल्टूड गर्ल्टरूड सॉरी नाउ द सेकेंड कैरेक्टर इज गर्ल्टरूड पहले तो मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है मुझे कफ और कोल्ड हुआ है उस कारण से थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नाम समझ लीजिए गर्ट्रूड नाम है ये क्या है क्वीन ऑफ डेनमार्क मदर ऑफ हेमलेट एंड बिकेम वाइफ ऑफ क्लेडियस आप इनको तीन बार में डिसाइड किया है तो मैंने तीनों बार जगह कोमा लगाया है आपके लिए पहला क्या है क्वीन ऑफ डेनमार्क डेनमार्क की रानी है साफ गर्टलूड ठीक पहले भी रानी थी और जब हम लोग प्ले पढ़ते हैं तब भी ये रानी है मदर ऑफ हेमलेट हमारा जो हीरो है इस प्ले का हेमलेट उसकी माँ है एंड बिकेम वाइफ ऑफ क्लेडियस और जब हेमलेट के फादर की डेथ हो जाती है जिनको हम लेट किंग हेमलेट कहेंगे उनकी भी उनकी वाइफ है ये और लेकिन अब जो है वो क्लेडियस की वाइफ हो गई हैं जो वर्तमान राजा है हमारा डेनमार्क का तो उनकी तीन बातें याद कर लीजिए क्वीन ऑफ डेनमार्क मदर ऑफ हेमलेट और वाइफ ऑफ क्लेडियस ठीक नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज पोरियस इस कैरेक्टर की बहुत अधिक आलोचना हुई है कई क्रिटिक्स ने आलोचना की है लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये कैरेक्टर एक डिसेंट कैरेक्टर है और ये सबके लिए बड़ा अच्छा करेक्टर है कैसे लॉर्ड चैम्बरलैन ऑफ क्लेडियस कोर्ट क्लेडियस के राज दरबार का ये लॉर्ड चैम्बरलैन है मुख्य जो मंत्री हैं उनमें शामिल है और इसके दो बच्चे हैं लेर्टिस और ओफेलिया इनका ये पिता है ये बनता बड़ा बर्डी वाइज है बल्डी वाइज कैसे है ये मैं कल जब आपको इस प्ले की कोटेशन्स दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये बर्लडी वाइज क्यों है और जो लोग इसकी आलोचना करते हैं मैं उन सभी ग्रेट माइंड्स को नमस्कार करता हूं वो बहुत ग्रेट माइंड्स रहे होंगे जो उसकी आलोचना करने के हकदार हैं लेकिन मुझे नहीं लगता जब मैं टू में आपको जब ये इस कैरेक्टर के बारे में बताता हूं तो ये कैरेक्टर आलोचना के काबिल है ठीक तो है ना साहब तो ध्यान रखिए आप लोग नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क साहब पहली बात दूसरी बात हीरो तीसरी बात सन ऑफ क्वीन गर्टीड यानी गर्टीड का पुत्र साथ ही साथ लेट किंग हेमलेट का पुत्र और भैया इसकी चौथी बात जो नेक्स्ट बात है लास्ट बात ध्यान वो ध्यान रखिएगा वह ओफेलिया से प्रेम करता है शेक्सपियर साहब के हेमलेट कैरेक्टर की जो आलोचना हुई है वो इसलिए हुई है कि लोग उसको कहते हैं ही इज़ एन अनहीरो एक हीरो एक अनहीरो एक हीरो है जो कि निर्णय बाद बहुत बाद में ले पाता है और इसको निर्णय लेने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है जैसा कि शेक्सपियर के जो ट्रेजडीज हैं मैन ट्रेजडीज उसमें नहीं होता है चाहे वो ऑथेलो ले लीजिए जूलियस सीजर ले लीजिए मैकबेथ ले लीजिए उनमें नहीं होता है लेकिन इसमें होता है साहब एक नए प्रकार का हीरो है ये एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर है जो सोचता ज्यादा है करता कम है शायद इसी कारण से शेक्सपियर साहब के प्ले हेमलेट में जो सोलिक्यूज आई हैं सोलोलिक्यूज जो मानसिक दशा जो होती है कैरेक्टर की जब वो अपने आप से बात करने की स्थिति में आ जाता है तो उनको सोल्यूक्यूज कहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोल्यिक्यूज़ जो हैं शेक्सपियर साहब की वो इस हेमलेट प्ले में आई हैं और बड़ा डियर कैरेक्टर है साहब ये अगर मुझे टाइम मिला आपको इस प्ले को समझाने का जूनियर सुपर टेट परीक्षा से पहले तो मैं किसी दिन बताऊंगा इसको प्ले के बारे में जितना मैं विस्तार से बता सकता हूं लेकिन फिलहाल आप इसको तीन बातों में याद रखिए प्रिंस ऑफ डेनमार्क इस प्ले का हीरोज सन ऑफ क्वीन गर्ट्यूड एंड लेट किंग हेमलेट और लव ओफिलिया से प्रेम करता है और साहब एक रिश्ता और है इसका नेफ्यू है साहब किसका क्लेडियस का ठीक है साहब नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज जब हेमलेट आ गया हमारा तो भाई ओफिलिया कहाँ जाएगी तो ओफिलिया की बात कर लेते हैं ओफिलिया हमारी पोलोनियस की पुत्री है बिलबड ऑफ हेमलेट हेमलेट की प्रेम का है और सिस्टर ऑफ लियर्टिस लियर्टिस की बहन है बहुत ब्यूटीफुल दिखाई गई है इनोसेंट दिखाई गई है बहुत अधिक प्रेम करती है ओफिलिया हेमलेट से लेकिन जब इसके फादर इसको समझाते हैं पोलोनियस इसका भाई लियल्टिस इसको समझाता है तो ये अपने पिता और भाई के कहने पर हेमलेट जो है हमारा उससे अपने सभी रिश्ते समाप्त कर लेती है और इतना ही नहीं अपने पिता के कहने पर यह स्पाई का काम करती है और जो वास्तविक स्थिति है हेमलेट कैरेक्टर के मस्तिष्क की उसको जानने का प्रयास करती है अब क्या स्थिति है वो मैं इतने वीडियो में नहीं बता सकता जब मैं पूरा वीडियो बताऊंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज लियर्टिस तो लियर्टिस सिस्टर ऑफ ओफेलिया यानी कि और सन ऑफ पोलोनियस लियटिस कौन है पोलोनियस का पुत्र है ब्रदर ऑफ ओफेलिया है पोलोनियस का पुत्र और ओफेलिया का भाई एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है साहब ये इसको भी रिवेंज चाहिए बदला चाहिए साहब अपने पिता की हत्या का अपनी बहन के सोसाइट का लेकिन इस कैरेक्टर का गलत इस्तेमाल करता है क्लेडियस ठीक है साहब कैसे करता है वो जब आप प्ले पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज होरेशियो फ्रेंड ऑफ हेमलेट फ्रेंड ऑफ हेमलेट हुरैशियो फ्रेंड ऑफ हेम्बलेट एंड सो लॉयल टू हेमलेट जब हम हेम की बात करते हैं साहब तो हेम्बलेट का परम मित्र है और परम मित्र के साथ साथ बहुत अधिक ईमानदार है हेमलेट के प्रति ठीक है साहब तो इस कैरेक्टर को भी आप याद रखें नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज फोर्टेन ब्रास वैसे तो फोर्टेन ब्रास का इस प्ले से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है लेकिन इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन बिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द कैरेक्टर फोर्टीन ब्रास इज यूज बाई शेक्सपियर तो प्ले का नाम है हेमलेट अब ये है क्या साहब ये यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे है ठीक नॉर्वे का युवा राजकुमार है फादर वाज किल्ड बाई हेमलेट फादर और युद्ध में इसके पिता की हत्या हेमलेट के पिता ने की थी तो आप ये सोचेंगे ये एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन जब आप ये प्ले पढ़ेंगे तो आप कहेंगे साहब ये दुश्मन नहीं है बल्कि मतलब जो हमारा हेमलेट है जो मुख्य पात्र है शेक्सपियर साहब के इस प्ले का वो रिबेंज लेने का जो आप कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन लेता है वो इस कैरेक्टर फोर्टीन ब्रास से मिलने के बाद लेता है ठीक है साहब नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज घोस्ट नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द घोष्टे घोष्ट क्या है साहब हेमलेट फादर आफ्टर हिज डेथ साहब ये घोष्ट अगर शेक्सपियर साहब के इस प्ले हेमलेट की अगर हम बात करें तो इसमें घोष्ट जो है वह शेक्सपियर साहब का जो प्ले जो हैमलेट है उसमें गोष्ठ जो है वो हेमलेट के पिता का दिखाया गया है किसका दिखाया गया साहब हेमलेट के पिता का गोश्त दिखाया गया है जिसको किंग क्लेडियस ने मार दिया साहब ठीक वो क्या बन गया गोष्ट बन गया उसके बाद अगला कैरेक्टर है हमारे रोजन क्रेट्स एंड गिलडस्टर्न फॉर्मर फ्रेंड्स ऑफ हेमलेट हेमलेट के पूर्व मित्र हैं लेकिन इनका नया वर्क मिल गया है बट नाउ बर्क, बर्क एज ए स्पाई किंग क्लेडियस के कहने पर ये जासूस का काम करते हैं किसके किसको किसके लिए हेमलेट के लिए उसकी मनोदशा और वास्तविक दशा को जानने के लिए नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर एज इज की कहना आर सही होगा जैसे रोजन क्रेट्स और गिल्डस्टन दूसरी जोड़ी है हमारी मार्सेलस एंड बर्नोल्डो मार्सेलस और बर्नॉल्डो ये बे ऑफिसर्स हैं जो कि प्ले में सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं और ये दो बे ऑफिसर्स हैं उस किले के डेनमार्क के किले के जो कि हेमलेट के पिता का गोश जो हैं वो इस प्ले में सबसे पहले देखते हैं साहब ठीक है ना नाउ द दटेंट फैक्ट्स अबाउट दिस प्ले आर पहला शेक्सपियर साहब का लॉन्गेस्ट प्ले है साहब आपका हेमलेट कैसे लॉन्गेस्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये इनका लॉन्गेस्ट प्ले इसलिए है क्योंकि शेक्सपियर साहब ने इस प्ले में टू ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन वर्ड्स का यूज़ किया है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन वर्ड्स अगर आपसे कोई पूछ बैठे विच इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर राइट आंसर इज हेमलेट ठीक दूसरी बात वो ये है कि इस प्ले की थीम जो है वो रिवेंज है और इस प्ले की थीम जो रिवेंज है वो एक व्यक्ति की रिवेंज की थीम नहीं है ये तीन व्यक्तियों की रिवेंज की थीम है साहब पहला हेमलेट जो कि बदला लेना चाहता है अपने पिता की हत्या का किंग कलेडियस से दूसरा रिवेंज लेना चाहता है फोर्टिन ब्रास लेकिन फोर्टिन ब्रास हेमलेट के पिता से नहीं बल्कि एक और जगह से बदला लेना चाहता है वो मैं जब प्ले पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा और तीसरा जो कैरेक्टर है हमारा लेयर टेस। वो बदला लेना चाहता है साहब किससे हेमलेट से दो चीजों के बारे में पहला तो ये कि हेमलेट ने उसके पिता की हत्या की दूसरा ये हेमलेट के कारण उसकी बहन ओफेलिया ने आत्महत्या की ठीक तो इसको आप रिबेंस ट्रेजडी कहेंगे तो ये मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस हेमलेट प्ले के उसके बारे में आपको जो मैं जितनी मैक्सिमम जानकारी दे सकता था मैंने दी अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक like, कमेंट और शेयर जरूर करें और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास बहुत सबसे पहले पहुंच सके थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड नाइट